बूंदी जिले के डाबी बरड़ के बुधपुरा में खान मजदूर सुरक्षा अभियान के तहत राजस्थान सरकार द्वारा खान मजदूर कल्याण बोर्ड गठन करने के उपलक्ष्य में बुधपुरा हॉट चौक में मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता तालेड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगरूप सिंह रंधारा रहे। मजदूर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा ने मजदूरों के द्वारा खान श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से मिलने वाले लाभों को विस्तारित रूप से श्रमिकों को समझाया। राज्य सरकार की मजदूरों के लिए अनगिनत योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विशेष तौर में खान श्रमिक कल्याण बोर्ड चिरंजीवी योजना सहित राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से जुड़ने के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही मजदूरों ने अपनी समस्याओं से पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा को अवगत कराया, जिस पर सभी समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करने की बात कही। इस दौरान राजस्थान खान मजदूर संघ के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे। आज खनिज मजदूर संघ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो राजस्थान सरकार ने खनिज श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया, जिसकी ये लड़ाई काफ़ी समय से ये संगठन करता रहा है, लगातार मुझसे भी संपर्क में रहा है, और इन लोगों ने संगठित होकर राज्य सरकार को दबाव डाला ताकि अन्य मजदूरों की तरह इनको भी वो सुविधाएं मिले जो श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मकान पर काम करने वाले मजदूरों को। अब राज्य सरकार ने श्रमिक कल्याण बोर्ड बना करके ये फैसला किया है कि अन्य श्रमिकों की तरह खनिज क्षेत्र में काम करने वाले खनिज मजदूरों को भी अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, इसके संबंध में कानून बनाने का काम प्रक्रिया में है, और राज्य सरकार का जो भी योजना है उनका लाभ इन सबको मिले उनके संबंध में भी राज्य सरकार सक्रियता से काम कर रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री।